स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम माई चैनल, माई सेल्फ डॉक्टर डी के सिन्हा। टूडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ किंगडम एनिमेलिया एंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। ओके, क्लास मैमेलिया इज डिवाइडेड इंटू टू सब क्लास, वन इज कॉल्ड प्रोटोथेरिया, अदर इज कॉल्ड थेरिया। प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, प्रोटोथेरिया सब क्लास का सिंगल ऑर्डर है, दैट इज मोनोट्रीमाटा। मोनोट्रीमाटा मीन्स सिंगल ओपनिंग, मोनोट्रीमाटा मीन्स सिंगल ओपनिंग, एंड सिंगल ओपनिंग मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरिका, नो मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नॉट ओपन्स सेपरेटली, बोथ ओपन्स बाई ए कॉमन डक्ट। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंपल ओपनिंग इट इज कॉल्ड मोनोट्रीमाटा। ओके, एंड सेकेंड सब क्लास इज थेरिया, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू इंफ्रा क्लास, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, मेटाथेरिया आर कॉल्ड मार्सुपेलिया, ऑल्सो कॉल्ड मार्सुपेलिया, एंड यूथेरिया इज कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल। यूथेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल। मेटाथेरिया मार्सुपेलिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियल पाउच। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल इन कंगारू, एंड इन प्लेसेंटल मैमल प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ मदर एंड फीटस बोथ। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ मदर एंड फीटस बोथ, एंड प्लेसेंटा ऑफ यूथेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड कोरियोन या कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ कोरियोन एंड एलेंटोइस। कोरियोन एंड एलेंटोइस आर द एक्स्ट्रा इम्यूनिक मेम्ब्रेन। ओके, सो दे आर द क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर बहुत सारे, यूथेरिया के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स का नाम और कुछ एग्जांपल हम लोग को जानना है। उसके स्ट्रक्चर कैरेक्टर नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी पिछले एक दो वर्ष के अंदर लगता है कि इससे क्वेश्चन आया है नीट में, तो हम इसका ऑर्डर और एग्जाम्पल देख लेंगे। नाउ सी, फर्स्ट ऑर्डर मोनोट्रीमाटा मीन्स सिंगल ओपनिंग, क्लोएका प्रेजेंट, एग लेइंग मैमल्स, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, बट निपल्स अबसेंट। निपल्स अबसेंट है। अब मेल और फीमेल दोनों में इसका एक मेन फीचर्स है कि मैमरी ग्लैंड इज फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल। मैमरी ग्लैंड का फंक्शन है मिल का सिक्रेशन करना, लेकिन निपल नहीं है। तो जो भी बेबीज, यानी कि एग लेइंग मैमल्स है, एग लेइंग मैमल्स है, अंडे की देने के बाद, हैचिंग के बाद जब चाइल्ड डेवलप होता है, तो वह चेस्ट रीजन और थोरेसिक रीजन के हेयर्स को सक करता है, जिससे उसको मिल्क मिलता है। इसलिए यहाँ निपल अबसेंट है। कह सकते हैं मैमरी ग्लैंड आर फंक्शनल इन बोथ सेक्सेस,
मेल और फीमेल दोनों में मैमरी ग्लैंड एक्टिव होता है, फंक्शन होता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड गनाइकोमास्टिज्म। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गनाइकोमास्टिज्म, ए कंडीशन इन विच मैमरी ग्लैंड आर फंक्शन इन बोथ। ओके, ऐसे मैमल का कैरेक्टर बताया था, टेस्टिज आर सिचुएटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, बट इन दिस केस टेस्टिज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कह सकते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज, इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ एब्डोमेन और बॉडी इज लो। ओके, एग्जाम्पल डक विल्ड प्लैटीपस, डक विल्ड प्लैटीपस ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथोरिंकस, also called second example Tachyglossus ant eater, चीटी खोर, चीटी को खाने वाला एनिमल है। इसका प्रोबोसिस पतला और लंबा होता है, जिस एरिया में कहीं अगर होल है, बरो है, छेद में जहां बहुत सारे चींटी होते हैं वहां अपने प्रोबोसिस को डाल देता है और सारा चींटी जब चिपक जाता है तो उसको खा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैकीग्लोसस एंट ईटर, ऑल्सो कॉल्ड एकिडना। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज प्रोटोथेरिया के बाद मेटाथेरिया की बात आती है। नेक्स्ट मेटाथेरिया मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, ओके, एंड एट द साइट ऑफ मार्सुपियल पाउच मैमरी ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट, मैमरी ग्लैंड विथ निपल्स प्रेजेंट इन मार्सुपियल पाउच। इस ग्रुप के जो भी एनिमल है उस एनिमल का गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होता है, बट डेवलपमेंट पीरियड और लैक्टेशन पीरियड इज लॉन्ग, यानी इमैच्योर चाइल्ड का बर्थ होता है और चाइल्ड बर्थ के बाद वह मार्सुपियल पाउच में जाता है, मदर मिल्क पर फीड करता है और लंबे समय अंतराल के बाद उसका डेवलपमेंट होता है। इसलिए कहा जाता है लैक्टेशन पीरियड इज लॉन्ग एंड गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड मींस पीरियड इंटरवल्स बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ। यानी गेस्टेशन पीरियड का मतलब याद रखेंगे तो फर्टिलाइजेशन पीरियड इंटरवल्स बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ, एंड लैक्टेशन पीरियड मीन्स मिल्क फीडिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट कार्पस कैलोसम इन ब्रेन एब्सेंट, कार्पस कैलोसम इन ब्रेन एब्सेंट एंड मेल एंड फीमेल हैविंग पेयर्ड स्ट्रक्चर,
अगर हम जेनाइटल स्ट्रक्चर की बात करें, इन फीमेल वैजिना क्लाइटोरिस आर पेयर्ड, यूटेरस आर ऑल्सो पेयर्ड एंड इन मेल पेनिस इज पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। इट मीन्स इन फीमेल वैजिना क्लाइटोरिस एंड यूटेरस आर पेयर्ड एंड इन मेल पेनिस इज पेयर्ड। ओके, एग्जाम्पल कंगारू ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोपस, साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल नेम मैक्रोपस, कंगारू और मैक्रोपस। और एक आप एक और है अपोसम, सेकंड एग्जाम्पल इज अपोसम, साइंटिफिक नेम डाइडेल्फिस, साइंटिफिक नेम डाइडेल्फिस। दोनों में इसका तो गैस्ट्रेशन पीरियड लगभग 13 से 14 दिन का होता है। 13 से 14 दिन में छोटा सा एक इम्ब्रियो, पुअरली डेवलप इम्ब्रियो का बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है और वह फिर जाता है मार्सुपियल पाउच में जहां की कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इंफ्रा क्लास थेरिया मींस प्लेसेंटल मैमल और ट्रू प्लेसेंटल मैमल। ट्रू प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेटाथेरिया, प्लेसेंटा इज आल्सो प्रेजेंट एंड दैट इज फॉल्स प्लेसेंटा और कॉल्ड योक सैक प्लेसेंटा, बट इन थेरिया ट्रू प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। ओके, कार्पस कैलोसम प्रेजेंट, मैमरी ग्लैंड, विथ निपल प्रेजेंट, गेस्टेशन पीरियड वेरी लॉन्ग, लॉन्ग एंड लैक्टेशन पीरियड शॉर्ट, फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड बर्थ होगा एंड गिव्स बर्थ टू मैच्योर चाइल्ड। नाउ थेरिया इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ऑर्डर्स, नाउ सी द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ थेरिया, नाउ सी ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ थेरिया। ओके, फर्स्ट प्राइमेट्स एग्जाम्पल एप मंकी ह्यूमन, एग्जाम्पल ऑफ इसी में आएगा चिंपांजी ओरंगउटन लीमर। ओके, ऑर्डर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमेट्स, साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल नेम ऑफ मंकी मकैक। ओके, साइंटिफिक नेम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही लिखा हूं मैं, इतना को याद रखना है। आर्टियोडक्टाइला, आर्टियोडक्टाइला का मेन फीचर है इवन टूज, मींस पेयर्ड टूज, जो भी टूज का नंबर होगा इवन नंबर में होगा, एज फॉर काऊ बफेलो, एग्जाम्पल कैमल पिग काऊ सीप बफेलो ऑल्सो, साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल नेम ऑफ कैमल कैमेलियस। ओके, पेरिसोडक्टाइला, आर्टियोडक्टाइला में इवन टूज, इन पेरिसोडक्टाइला ऑड टूज, ऑड नंबर में टूज, एग्जांपल हॉर्स, साइंटिफिक नेम इक्वस, इन हॉर्स सिंगल टूज, ओनली वन टूज इज प्रेजेंट, उसका राउंड होता है एक टूज। ओके, प्रोबोसिडा, प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस, प्रोबोसिस का मतलब सूंड, लंबा सूंड, एग्जाम्पल एलिफेंट्स।
एशियन एलिफेंट एलिफस एंड अफ्रीकन एलिफेंट लॉक्सोडोंटा। ओके, अफ्रीकन लॉक्सोडोंटा, एशियन एलिफस। सिटेसिया मीन्स एक्वेटिक मैमल, सिटेसिया एक्वेटिक मैमल याद रखेंगे, सिटेसिया एक्वेटिक मैमल। ब्लू व्हेल डॉल्फिन, ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू व्हेल बेलेनोप्टेरी एंड डॉल्फिन डेल्फिनस। ओके, कार्निवोरा, कार्निवोरा यू नो, कार्निवोरस एनिमल, डॉग कैट टाइगर। कैनिस डॉग, कैट फेलिस, जनरली पूरा नाम ऐसे है कैनिस फेमिलरिस, फेलिस डोमेस्टिका। ओके, इतना से याद रखिएगा, डॉग कैनिस, कैट फेलिस, टाइगर पैंथरा टिग्रिस, कार्निवोर। नेक्स्ट रोडेंसिया, रोडेंसिया का मतलब क्या, कुतर कर खाने वाला रोडेंट्स, एंड इन रोडेंट्स डायस्टिमा इज प्रेजेंट, डायस्टिमा इज गैप, यानी यहां जो टीथ होता है कंटिन्यू टीथ नहीं होता है, आगे में सबसे आगे इंसाइजर है, केनाइन अब्सेंट है, उसके पीछे फिर प्रीमोलर और मोलर है, तो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में गैप होता है, डेट गैप इज कॉल्ड डायस्टिमा, डायस्टिमा प्रेजेंट इन रोडेंसिया, एग्जांपल रैट, रैटस, माउस, मस। ओके, लॉगोमार्फा लगभग रोडेंसिया, भी रोडेंस कुछ कुतर कर खाने वाला है, ऐसे ब्रो में रहता है, एग्जाम्पल रैबिट। इडेंटाटा प्रोट्रूसिबल टंग, टंग इसका लंबा होगा, प्रोट्रूसिबल टंग, टीथ विदाउट इनामेल, और कह सकते हैं टीथलेस मैमल, टीथलेस मैमल। एग्जाम्पल स्लॉथ, स्लॉथ इज ए वेरी लेजी मैमल, कई घंटों तक एक ही जगह पर वह शांत बैठा रहता है, स्लोथ। ओके, टीथलेस। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरा, डिपेंड्स अपॉन इंसेक्ट, मोल, टालपा, श्रीउ, सोरेक्स। ओके, एंड लास्ट ऑर्डर कायरोप्टेरा फ्लाइंग मैमल, एग्जांपल बैट। ठीक है ना, तो जो मेन ऑर्डर था मैं उसका नाम और एग्जांपल बता दिया, इसको आप याद कर लेंगे। चलिए, तो आज एनिमल किंगडम समाप्त हो गया, अब हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, इसके पहले इसका सारा क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके,